So good morning, my dear Dasi Dilik from Delhi. So it's 7 AM in the morning. Sorry, काफी दिनों से vlog नहीं आ पाया क्योंकि मैं अपने dad के साथ था और थोड़ा बहुत busy हो गया था. तो guess what? आज का जो vlog होने वाला है, वो होने वाला है थोड़ा सा अलग क्योंकि आज देखो मैं किसके साथ जा रहा हूँ. ये जो आगे बंदा बैठा है ग्रीन से हेलमेट में, गेस व्हाट ये कौन है? ये है मेरे पापा का ग्रेट. सुबह सुबह हम जा रहे हैं अपनी बाइक लेने. अभी तक वो खड़ी थी पीयूष के घर में, जो कि मेरा दोस्त है, तो उसके घर में सेफ थी तो इसलिए हमने उसके घर में खड़ी करी है बाइक. तो आज हम बाइक लेने जा रहे हैं क्योंकि कल सुबह हमें निकलना है देहरादून के लिए. तो वहाँ से लेके आज हम खड़ी कर देंगे अपने एक यहाँ पे कैंपस है, स्कूल कैंपस, उसके अंदर. क्योंकि अपनी बेबी फ्रॉस्ट को ओपन में खड़ा करना तो आपको पता ही है, इट्स लाइक अ ओपन बुक. सो इट वॉज सेफ देयर. तो अभी हमने खड़ी करी है उसे पीयूष के घर में, तो अभी उसे लेने जा रहे हैं. तो काफ़ी दिन हो गए हैं, कम से कम हो गए लगता है लगभग मेरे ख्याल से एक हफ्ता हो गया है कि हम उसे ले, मतलब देखा ही नहीं हमने बेबी फ्रॉस्ट को. तो आज हम उसे लेके आएंगे. ये होने वाला एक रिएक्शन वीडियो बेसिकली. देखते हैं क्या रहता है पापा का रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैं दिल्ली में फर्स्ट टाइम लाया हूँ. उसके ऊपर अभी तक पापा ने बाइक देखी नहीं है और मेरा भाई का भी रिएक्शन होने वाला है क्योंकि दोनों, मतलब किसी ने भी नहीं देखी. अभी मैं जैसी दिल्ली लाया उस दिन सर्विस कराई, उसके बाद आपको पता ही है अपने आँखों का हो गया था बैंड बाजा. तो उसके बाद से मैं घर पे ही हूँ. तो बाइक मैंने वहीं खड़ी कर दी थी पीयूष के घर में. तो आज मैंने पहनी है राइडिंग जैकेट अपनी नई वाली और नीचे अपना वही सेम ओल्ड लोअर, क्योंकि बगल में ही जाना था, ज़्यादा दूर जाना नहीं था. तो मैंने कहा यार क्या ड्रेसअप करना, बूट्स बाट्स क्या पहनने, कौन सा ट्रैक मारना है. तो आई नो सेफ्टी फर्स्ट, लेकिन कुछ नहीं होता अगर एक दो किलोमीटर की दूरी के लिए क्या. सो गाइस सीधे चलते हैं पीयूष के घर में, वहीं मिलते हैं आपको. सो गाइस अभी मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया है. शक्ल तो दिखा दो, ये देखो माय डैड, से हाय डैड, फर्स्ट टाइम ऑन माय व्लॉग. तो अभी इन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया है और मैं जा रहा हूँ, पीयूष मुझे लेने आ रहा है. तो सामने है रेलवे कॉलोनी, वहाँ पे खड़ी हुई है मेरी बाइक, तो उसको बुलाया मैंने. ओ तेरी गौ माता, मुझे कुछ ना आता, सॉरी बैल बाप. अरे भाई खतरनाक था ये सीन भी. तो अभी मैंने कर दिया है पीयूष को कॉल और ही मस्ट बी कमिंग आउटसाइड, क्योंकि इसी के अंदर बहुत भुलभुलैया है, मुझे खुद नहीं पता. तो उसने मैंने उसको गेट पे बुला लिया है, तो रुकते हैं उसके लिए. सो गाइज फाइनली भाई पीयूष हमारे आए हैं, हमें हमारी मदद करने, थैंक यू भाई. और बेबी फ्रॉस्ट को हमने निकाल दिया है बाहर. तो देखो भाई कितनी गंदी हो रही है. भाई भाई रुक जा ऐसे नहीं मानने, थैंक यू वेरी मच. सबसे पहले कर देते हैं इसको कोल्ड स्टार्ट, थोड़ी गर्म हो जाए, बाकी थोड़ी सी धूल हटा दे बस, बाकी तो धुलवानी पड़ेगी. गंदी बहुत ज़्यादा हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया था लगभग एक हफ्ता हो गया इसे यहीं खड़ी हुई है. ले भाई कपड़ा डाल ले अंदर. मिस्टर फाइनली आफ्टर अ वीक इसको मैं चला रहा हूँ. तो सीधे मिलते हैं आपको रोड पे, भाई पीयूष को करते हैं अलविदा. सो गाइस हमने भाई पीयूष को कर दिया है अलविदा, फाइनली ऑन द रोड्स अगेन, फीलिंग गुड. रोड कंडीशन थोड़ी बेटर रहती तो ज्यादा अच्छा लगता. तो अभी हम जा रहे हैं मंजू का टीला, यहाँ पे अपना भाई अपना इंतजार कर रहा है. पापा गए अपना कुछ काम करने, उसके बाद वो आएंगे, तब देखेंगे उनका क्या रिएक्शन रहता है बाइक को देख के. अभी तक तो ही वॉज एक्साइटेड, मतलब उतना एक्साइटमेंट शो तो नहीं किया क्योंकि, लेकिन फिर भी आई नो डीप डाउन ही हैज दैट बाइकर थिंग इनसाइड, क्योंकि उन्हीं को देख के ही हम सीखे हैं अभी तक बाइक राइडिंग. उनको तो इतना कीड़ा था कि वो दिल्ली भी बाइक पे जाते थे पहले, मुझे पीछे बिठा के वेन आई वाज स्मॉल, आई रिमेम्बर. Woo!
नॉट श्योर कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे को याद ही नहीं आ रहा कि मैंने अपना माइक प्लेस किया था या नहीं किया था, लेकिन आई कांट स्टॉप नाउ क्योंकि मैं निकल चुका हूँ।